गजल अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने जितना सबको सताया ना, एक एक का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मैंने कहा था ना गजल, तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाके रखती है। इसने हमारी जिंदगी खराब करके रख दिया, मार दो इसको। मैं तो बोलता हूँ उसे काट के यही काट देते हैं। तुम बचोगे नहीं गजल। चाकू नहीं है तो क्या हुआ, बंदूक से काम चला लेती हूँ। काम हो गई है, रुक। आखिर जिस वक्त का इंतजार था वो आ ही गया। इसको जो करना था ये कर चुकी, अब हमारी बारी है। बेशक किसी को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर मेरा दिल कहता है कि इस जैसी शैतान को जान से मारना बहुत बड़ा सवाब है। बेशक सवाब मिलेगा, अगर हम इसे मार दें तो दुनिया से एक बुरा इंसान खत्म हो जाएगा। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। इसने मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, इसने मेरी अम्मी को मारने की कोशिश की। तभी कोशिश मैं भी करूंगा और इंशाअल्लाह मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और फिर बारी आएगी मेरी। इसने सबसे ज्यादा जख्म मुझे दिए। अरे खैरात में मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेती ना, मैं वो भी दे देती, मगर तुमने मुझसे मेरा गुरूर, मेरे शौहर, मेरे हैदर को छीनने की कोशिश की। मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। जहन्नुम का दरोगा दरवाजा खोल के तुम्हारा इंतजार कर रहा है गजल, और तुम्हें वहां तक मैं पहुंचाऊंगी। जो तुमने किया है वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम्हारे सामने है। अब देखती जाओ आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। गजल अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जितना सबको सताया ना, एक एक का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या हो गया, डर गई क्या? अरे इसका तो रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा था ना गजल, तुम्हारी हकीकत सबके सामने ला के रहूंगी। आप सब लोग ये सब मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना? आप में से कोई भी मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं वाकिफ हूँ, मैं जानती हूँ आप सबको। मुझसे वाकिफ हो या नहीं? बचाओ, बचाओ, अभी, बचाओ मुझे कोई। चीख। मैं भी देखती हूँ कि आज यहाँ तुझे कौन बचाता है। तू कहती है कि तू यहाँ सबसे वाकिफ है, तुझे पता है ना कि यहाँ पर चाहे कोई कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन तुझे जान से नहीं मारेगा। और तूने इनकी इसी दरियादिली का फायदा उठाया है आज तक। मगर आज तेरा पाला हमीदा बेगम से पड़ा है। बेगैरत, बदसात, मेरी बेटी को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया तूने। मेरी होने वाली बहू के साथ बदसलूकी की तूने। मेरे खानदान के चिराग को खत्म करना चाहा तूने। खुदा कसम आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना, तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। काम हो गई है, रुक। आज तो तू बच के नहीं जा सकती गजल, आज तो तेरी मौत पक्की है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।
कर दीजिए इसका किस्सा खत्म, आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मारो इसे। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या करूं मेरे मौला, बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। गुलनाज बेगम, अगर खाला जान का निशाना चूक गया ना तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, हट जाओ, छोड़ दो मुझे। तुम मेरी वजह से अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सोच लो। चुप रहे तू। पक्का निशाना पक्का है? अगर निशाना चूक गया तो तुम्हारी जान जाएगी, मैं बता रही हूँ। खुदा खैर करे, तेरे चक्कर में मैं क्यों मरूं? चल हट। ए बेवकूफ गुलाज, गोली मार देंगी मुझे। हेलो, बोलिए। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पहले गोली इसकी टांग पे मारकर इसे लंगड़ा करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे लंगड़ा नहीं होना। अच्छा, लंगड़ा नहीं होना है तुझे? ठीक है, फिर दोनों टांगों में गोली मारकर तुझे बेकार कर देती हूँ। पापा, उसके बाद माजूर करके रेडी में आराम से घूमना। छोड़ूंगी नहीं। गुलाज लगा इसके। रुक जाइए। दुआ, आज मुझे रोक मत, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अम्मी रुक जाइए, आप सर रुक जाइए। अल्लाह तेरा शुक्र है, पर ये दुआ अपनी माँ को गोली चलाने से क्यों रोक रही है, मुझे क्यों बचा रही है? गजल को मौत का डरावा देकर जो उलझाने का मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब इसे डराने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाइए। डराना उलझाना, ये सब मुझे मारने का नाटक कर रहे थे। दुआ को फोन किसने किया था? कहीं बीमारी की दुकान ने मेरे खिलाफ सच्चाई तो नहीं उगलती? अगर तुम अक्सर मंजिल जाने का सोच रही हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं खुद को बर्बाद नहीं करने वाला। अक्सर मंजिल जाना मतलब खुद की बर्बादी को दावत देना। कहीं एजाज की बात सच तो नहीं है? मेरे यहाँ आकर गलती तो नहीं करती? कायनात, तुम इस गजल पर नजर रखना, ये तुम्हारी नजरों से बचनी नहीं चाहिए। मैं भी आता हूँ। ठीक है। सही कहा तूने, हम तुझे मार नहीं सकते क्योंकि हम तेरी तरह जालिम नहीं है, मगर मैं तो तेरी पिटाई कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो सबसे अलग हूँ, ताकि तू हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। बदकार, बेगैरत, मेरे बच्चे को पागल कहती है तू, पूरी के हवाले करती है तू, उसे जज्बात से खेलती है तू, उसे प्यार के जाल में फंसाती है। हमारे खानदान को बदनाम करके रख दिया तूने, तेरा सत्यानाश हो ना मुराद। बचाओ इसे, तो मारो मारो आप इसे, मारो प्लीज, मारो आप इसे, मारो मारो, बचाओ बचाओ, जल्दी लेकर आ, जल्दी मारो इसे, मारने की साजिश की।
मैं उस बदसात को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगी। अरे किसी की माँ के साथ कुछ सलूकी करना, उसे ठेस पहुँचाना, उसका अंजाम क्या होता है वो अब पता चलेगा तुझे, अब पता चलेगा। अरे ये तो बस शुरुआत है ना मुराद, तूने जो किया है ना उसके लिए तुझे फांसी दे देनी चाहिए। बाजी ने हमें सब कुछ बता दिया कि तूने उनके साथ क्या क्या किया है, अब तेरी बारी है, चल मुंह खोल, वक्त आ गया तेरा फसल, मुंह खोल के बता बाजी को तूने जान से मारने की कोशिश की थी, तूने उन्हें खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश की थी, उन्हें मारने की कोशिश की थी, जल्दी बता गजल, कबूल कर तू अपना गुनाह, कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर, मारो इसे, मारो इसे। ऐसे देखिए ना, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, नहीं रोकना होगा। किसी को रोकने की जरूरत नहीं है दुआ, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। तेरी क्या बोल रहे हैं आप, गजल की हालत देखिए, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुसीबत हमारे सर पे आएगी। अब मुझे किसी मुसीबत से डर नहीं लगता दुआ, और बल्कि ये लड़की खुद एक मुसीबत है। शायद तुम भूल गई हो कि इसने मेरे साथ, तुम्हारे साथ, अम्मी के साथ, इस खानदान के साथ क्या सलूक किया है। जो सलूक इसके साथ हो रहा है होने दो, वैसे तो मैं किसी के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं चुप हूं, बेहतर यही होगा कि तुम भी चुप रहो। और हाँ, जरा नूर के मोबाइल को देखो, वहां गुनहगार बना दिया, मेरी दुआ की नजरों में गिरा था। बचाओ मुझे आना, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचाओ, कोई बचाओ। या मौला, ये इना इना क्या करने आ रही है, अब इसी को ढाल बना के इन सबसे बचना होगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए अम्मी। दूर हट, तेरी अम्मी नहीं हूं। वो हीना जो तुझे अपनी बेटी समझती थी, समझ ले वो मर गई। ये क्या हो गया मेरे मौला, हीना हीना को सब कुछ याद आ गया, मेरा क्या होगा, मेरा खेल खत्म, मैं नहीं बच सकूंगी, मैं तो गई। मैं हीना राहत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में गवाही देती हूँ कि मेरी बहू दुआ बेकसूर है, मेरा गुनहगार कोई और है, और मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है, मेरा वो शैतान शातिर कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा।
अम्मी खबरदार खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से ये पाक नाम लिया तो। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं, मर गई तुम्हारी अम्मी। दुआ अम्मी, संभाली हमको, आइए ना बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए अम्मी। आप हाथ उठाना मुझे भी आता है अम्मी, मगर तहजीब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। आइए निकलो तुम यहां से। अम्मी गई तुम्हारी मां, मैंने मारा है उसे। मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं इस बिचारी की अम्मी की मौत की। मेरे मन, ये मैंने क्या कर दिया? उठ जा मेरी जान। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मेरी ही वजह से तुमसे तुम्हारी अम्मी की गोद छीनी गई। मुझे माफ कर दे। तुम्हारी गुनहगार हूं, मेरी वजह से हुआ सब। अरे बस क्या करें, मारिए मत, उसे बता दीजिए मेरा है तो कहां है। अरे मारिए मत। ये बीमारी की दुकान फिर पीते हुए घर में पहुंच गई। खुदा का शुक्र है सही मौके पे इसकी याददाश्त डूबी है, वरना मैं डूब जाती। मेरी गलती का कफारा भी अदा नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा था हैदु से निकाह होने के बाद तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, मगर जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुम्हें बेइज्जती के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ। और तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार ये दुआ है। ये सब इस बेगैरत दुआ की वजह से। एक मौका नहीं छोड़ा ना तुमने कभी मेरी गजल को जलील करने का, उस पे जुल्म करने का। क्या कुछ नहीं किया इसने मेरी गजल के साथ? धक्के मारे, तमाचे मारे, और मेरे खानदान के आप सभी लोग इस मासूम बच्ची को जहर भरी निगाहों से देखते रहे। किसी और पे क्या इल्जाम लगाना जब मेरा अपना बेटा वही अपनी अम्मी के दिल का हाल नहीं समझ पाया। तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारी अम्मी को कितनी तकलीफ होती थी जब कोई इस मासूम बच्ची के साथ इतनी बदसलूकी करता था? तुमने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं इस पे जुल्म होने से रोका तुमने? इस पर जुल्म करते हैं हम? अम्मी होश में आई है, किसकी तरफदारी कर रही हैं आप? इसकी
क्या जुल्म हम कर रहे हैं अम्मी कि ये जुल्म करती आ रही है हम पर? ये सिर्फ शातिर ही नहीं अम्मी, ये शैतान है शैतान। ये वो ही है तरफदार आपकी जिसने आपको खिड़की से धक्का देके आपकी जान लेने की कोशिश की। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, क्या बोल रहे हो मेरी जान? गजल मेरी जान लेने की कोशिश करेगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। समझ गई मैं, ये सब कुछ इस दुआ का सिखाया हुआ है। हमें हैदर रुक जाइए, चुप हो जाइए। चुप हो जाऊं और क्यों चुप हो जाऊं? देख नहीं रही हो, बार बार अम्मी उसकी तरफदारी करती रहती है और तुम्हें गलत साबित करती रहती है। हैदर समझने की कोशिश कीजिए, देखिए अम्मी को बोलने दीजिए। हैदर गौर से सुनिए अम्मी बोल क्या रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी है तुम्हारे साथ। आपको कुछ समझ आ रहा है? गौर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। रुकिए मैं सब समझाती हूँ। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? ये दुआ अब कौन सा नया नाटक कर रही है? करने क्या वाली है ये?